बेस वेरिएंट को टॉप वेरिएंट बनाना है तो डीआरएल लगानी पड़ेगी विद ओरिजिनल कैप, ओरिजिनल अलॉय व्हील, 18 इंचेस के बॉक्स पैक इसमें इंस्टॉल कर दिए हम लोगों ने। कितना खर्चा आप लोग अपनी क्रेटा के ऊपर कर सकते हैं, पीपीएफ आप लोगों को दिखा देता हूं। जो हम लोगों ने यूज करी है वो है हमारी 240 वॉट लो बीम, 240 वॉट हाई बीम इसके अंदर इंस्टॉल करा है। ये है ईएक्स वेरिएंट का स्टीरियो जो कि जेन्युइन है हमारा ह्युंडई का। इस तरीके की फिटमेंट हम लोगों ने इंस्टॉल करी है। ये अपना नाकामिची का डीएसपी है, ये सोनी का हमारा 4 चैनल G4 एम्पलीफायर है, कंपोनेंट सोनी ES सीरीज के हाई रेस ऑडियो कंपोनेंट एंड कोएक्सल इंस्टॉल हो रखे हैं डोर के अंदर विद डुअल लेड डैम्पिंग। फोमिंग है हमने 20mm की फोमिंग के साथ इसको इंस्टॉल किया है। ये भी पूरा वेंटिलेटेड फैब्रिक आप लोगों को मिलेगा। आप देख रहे हैं कार म्यूटर्स, हमारी जो क्रेटा थी वो कंप्लीट हो चुकी है। क्या कुछ हम लोगों ने इसमें इंस्टॉलेशन करी है सारी चीजों की बात करेंगे और बजट की बात करेंगे कि कितना खर्चा आप लोग अपनी क्रेटा के ऊपर कर सकते हैं, क्या जेन्युइन पार्ट्स होते हैं, क्या आफ्टर मार्केट पार्ट्स होते हैं, सारी डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ब्लैक कलर की कार हमने ली थी तो इस पर पीपीएफ करना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्वालिटी एंड फिनिशिंग आप कॉर्नर से भी चेकआउट कर सकते हैं, जो हमने अपनी कार के ऊपर पीपीएफ किया है जबरदस्त है। पूरी कार पे भी जो है ब्लैक कलर डस्ट बहुत जल्दी आता है तो देख सकते हैं, ठीक है। अब यही डस्ट जो है ना स्क्रैच का रीजन बनेगा, इसलिए हमने क्या करा भाई, इसको पहले पीपीएफ कर दिया और देख सकते हैं भाई कि मिट्टी रुक नहीं रही है इसके ऊपर, ठीक है भाई। जबरदस्त पीपीएफ है, पीपीएफ आप लोगों को दिखा देता हूं। जो हम लोगों ने यूज करी है वो है हमारी प्रो किट पेंट प्रोटेक्शन फिल्म और ऊपर से आप लोगों को इसका पूरा वेट चेकआउट करा देता हूं, ठीक है। 11.8 केजी का अपना रोल आ जाता है, मटेरियल अपनी टीपीयू क्वालिटी है, टीपीएच क्वालिटी से हल्की होती है बट हमने टीपीयू करी है अपनी कार के अंदर। और इसके अंदर आप देख सकते हैं इस तरीके का आपका रोल आएगा, पूरा का पूरा पैक्ड रोल आएगा और एक कार के अंदर एक रोल पूरा लग जाएगा, ठीक है। बाकी कार के आप लोगों को क्लॉथ एंड फिनिश भी आप लोगों को चेकआउट करा दूंगा कैसा रहने वाला है। फिनिशिंग काफी बढ़िया रहती है, हम बम्पर पे पूरा बम्पर सारा कंप्लीट करा। देखो पीपीएफ का बेनिफिट, पीपीएफ होने के बाद भाई इस पार्ट पे पीपीएफ हो रहा था, उखाड़ के तो नहीं दिखा पाऊंगा पर ये देखो स्क्रैच आ चुका है, ठीक है। अब जब इसको उखाड़ूंगा ना ग्रिल का स्क्रैच तो नहीं जाएगा, ग्रिल पे पीपीएफ नहीं हो रखी है पर ये वाला स्क्रैच इस पे से चला जाएगा, खाली प्लास्टिक जो हल्का सा दबा है वो रहेगा, इधर भी निशान देख सकते हो, ठीक है। तो ये है, ये तो बाकी गर्मी में चला जाएगा, जो गाढ़े निशान है वो पीपीएफ इस पार्ट का भी हम चेंज कर देंगे, इतना सा पार्ट है उसको चेंज कर देंगे, ये भी एडजस्ट हो जाएगा। फ्रंट प्रोफाइलिंग पे आते हैं, क्या कुछ इंस्टॉलेशन हुई है वो आप लोगों को चेकआउट कराता हूँ। सबसे पहले हमारी ग्रिल रहने वाली है, ग्रिल पे हम लोगों ने जो पेंट इंस्टॉल करा है हाइड्रो डिप पेंट है जो हमारा, उसमें ब्लैक में आप लोगों को स्पार्कल दिख रहे होंगे तो स्पार्कलिंग वाला ग्लॉस ब्लैक हम लोगों ने इसके अंदर पूरा लगाया है, ठीक है। उसके बाद फ्रंट साइड पे हम लोगों ने इसके हेडलाइट्स के अंदर अपग्रेडेशन करी है, 240 वॉट लो बीम 240 वॉट हाई बीम इसके अंदर इंस्टॉल करा है। डीआरएल कंपनी फिटेड आते हैं, इंडिकेटर इसके भी चेंज करेंगे हम ताकि ये मैट्रिक्स के अंदर चले जैसे टॉप वेरिएंट में आते हैं। लाइट का थ्रो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे आज रोकना उतना आ रहा है। ये जो क्रेटा की डीआरएल रहने वाली है हमारी, बॉक्स पैकिंग आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके की बॉक्स पैकिंग में आएगी ब्राउन कलर की, साथ में यहाँ पे आप लोगों को ह्युंडई जेन्युइन का आप लोगों को बैजिंग मिल जाएगा, ह्युंडई जेन्युइन पार्ट, ये चेकआउट कर सकते हैं। अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ, इस तरीके की बॉक्स पैकिंग आएगी डीआरएल की, अंदर आप लोगों को जो है ब्लू कलर का फॉर्म मिल जाएगा थर्माकोल और डीआरएल की लुक चेकआउट कराता हूँ भाई। ये रहने वाली है ग्रिल की डीआरएल हमारी, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था और आज हमारी गाड़ी में फिट हो जाएगा। नेक्स्ट वाली वीडियो में आप लोगों को इसकी लुक भी चेकआउट करा देंगे किस तरीके की आने वाली है। क्रिस्टल वाली ओरिजिनल जेन्युइन ह्युंडई की डीआरएल अवेलेबल है ग्रिल में लगाने के लिए, बेस वेरिएंट को टॉप वेरिएंट बनाना है तो डीआरएल लगानी पड़ेगी। इसके अंदर आप लोगों को बाकी पूरे स्टिकर्स दिखा देता हूँ, बारकोड मिल जाएगा आप लोगों को अपने, मैचिंग सारी चीजें मिल जाएगी इसके अंदर। बाकी ये ह्युंडई का लोगो आप लोगों को मिल जाता है, ये चेकआउट कर सकते हैं, कर दो इसको। नेक्स्ट चीज जो हमारी रहती है वो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, ये है ईएक्स वेरिएंट का स्टीरियो जो कि जेन्युइन है हमारा ह्युंडई का। इसमें हम लोगों को 7 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, वॉल्यूम कंट्रोल हम लोगों को मिल जाता है, म्यूट मिल जाता है, पावर और मीडिया के जैसे अपने बटन होते हैं सारे मिल जाते हैं। साथ में आप लोग देख सकते हैं किया जेन्युइन, ठीक है, ह्युंडई जेन्युइन
किया एंड ह्यूंडई दोनों के आप लोगों को लोगो मिल जाएंगे, वहाँ के कपलर टू कपलर कनेक्शन रहेगा इसका। ये जो है आप लोग यहाँ पे आके इंस्टॉल करा सकते हैं। हमने क्या अपनी कार के अंदर इंस्टॉल किया उसकी भी बात करेंगे, पर ऊपर अपनी जो है रूफ पिलर सब कुछ हम लोगों ने अपना पीपीएफ करके कंप्लीट कर रखा है। रूफ रेल्स हम लोगों ने ब्लैक कलर के इसमें इंस्टॉल करी है ऑल ब्लैक थीम के लिए। साइड मिरर हम लोगों ने हाइड्रो डिपेंड अगेन वही ब्लैक वाला इंस्टॉल करा है जो कि स्पार्कलिंग वाला रहता है, वो ही DRL चेंज कर दी है। ओरिजिनल साइड मिरर इंस्टॉल करा है विद DRL विद इंडिकेटर फंक्शन इसमें आप लोगों को मिल जाएगा। DRL ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, बट लुक के लिए हमको अच्छा लगा था तो भाई इसको इंस्टॉल करना जरूरी था। ये हम लोगों ने इंस्टॉल करा अपनी गाड़ी में, साथ में साइड वेंट। अब फेंडर का भी ऑप्शन है, बट वो ये कि हम जैसा आप सबको रिकमेंड करते हैं कि भाई जरूरी नहीं है कि फेंडर चेंज करें या फेंडर में वेंडिंग करके उसको मॉडिफाई किया जाए। साइड वेंट जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, एक तो लुक एनहांस हो जाती है, साथ में आप लोग फिटमेंट देख सकते हैं 00 फिटिंग में, और कोई डाउटफुल भी नहीं रहता कि भाई निकल जाएगा या खराब लगेगा कुछ लगेगा। तो ये हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल करा है, इसमें तीन चार डिजाइन जो है वो अवेलेबल रहते हैं। मेन अलॉय व्हील्स जो हम लोगों ने इंस्टॉल करे, अलॉय व्हील हमारे आ जाते हैं भाई 18 इंचेस के, न्यू क्रेटा का एल लाइन का अलॉय व्हील इंस्टॉल करा है हम लोगों ने। टायर साइज भी आप लोगों को चेकआउट करा देता हूँ, 215/55 R18 का जेके टायर जो टॉप वेरिएंट में आता है, सेम एज इट इज वो टायर विद ओरिजिनल कैप ओरिजिनल अलॉय व्हील 18 इंचेस के बॉक्स पैक इसमें इंस्टॉल कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। साइड में गेट अपना लोअर गार्निश, ये भी सारे ऑप्शनल आइटम है। लोअर गार्निश हो गई, अपनी डोर बिटिंग हो गई, क्रोम हैंडल हो गए, लोअर गार्निश हो गई, क्रोम हैंडल हम लोगों ने रिप्लेसमेंट वाला चेंज करा है, चेकआउट कर सकते हैं। इसके अंदर पेस्टिंग वाला क्रोम नहीं है, रिप्लेसमेंट वाला क्रोम इंस्टॉल करा है हम लोगों ने इसके अंदर। हैंडल क्रोम पूरा का पूरा SX ऑप्शन का इंस्टॉल कर दिया है। उस साइड से आप लोगों को रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाएगा ड्राइवर साइड डोर पे। डोर वाइजर्स लगाए हैं ओरिजिनल ह्यूंडई के, अपना ये लगा दिया है रूफ रेल। अभी इसके अंदर शार्क फिन एंटीना लगाना बचा क्योंकि न्यू वाली शेप चेंज हो गई है, तो सोच रहे हैं न्यू वाली शेप ही लगाएंगे। बैक साइड पे टेल लाइट लगानी बची है हम लोगों की। नीचे हम लोगों ने बाइक की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे जो है बुल गार्ड इंस्टॉल कर दिया है। ये अपना मिक्सर वाला लोहे के साथ होता है तो यही वाला लगा दिया। इसकी स्ट्रेंथ काफी बढ़िया है, ठीक है, बाइक प्रोटेक्शन बढ़िया से दे देगा ये हम लोगों को। बाकी अंदर आप लोगों को दिखाता हूँ क्या कुछ है। ये यूनिट का बॉक्स है जो कि यूनिट मैंने आप लोगों को आगे दिखाई थी, ये भी जेन्युइन अपना आ जाता है Hyundai एंड किया का, ये चेकआउट कर सकते हैं। ये जेन्युइन रहेगा आपका, ये यूनिट अंदर इनसाइड में इंस्टॉल होगी। पीछे हम लोगों ने बूटमैन इंस्टॉल करा है GFX का ब्रांडेड ओरिजिनल बूट लाइट, बेस वेरिएंट में नहीं आती, ओरिजिनल बूट लाइट इंस्टॉल कर दी है। पार्सल ट्रे बेस वेरिएंट में नहीं आती, ओरिजिनल जेन्युइन पार्सल ट्रे। वूफर हम लोगों ने रॉकफोर्ड का P2 इंस्टॉल करा है, इसमें ES वाला भी कर सकते थे पर हमको ये वाला करना था तो ये वाला इंस्टॉल किया हम लोगों ने। अंदर चलते हैं, म्यूजिक सिस्टम आप लोगों को बता देता हूँ क्या कुछ हम लोगों ने इंस्टॉलेशन करी है। सबसे पहले हमारा यहाँ पे मोनो ब्लॉक लगा हुआ है जो कि यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ये SNB का मोनो ब्लॉक हम लोगों ने इसके अंदर इंस्टॉल किया है। दूसरी साइड पे हमने इंस्टॉल करा है सोनी का G4 चैनल एम्पलीफायर। RC केबल्स हम लोगों ने एक भी इंस्टॉल नहीं करी, आप चेकआउट कर सकते हैं। सारा जो कपलर से कनेक्शन है सिर्फ कपलर के कनेक्शन करे हैं, RC केबल्स ना इसमें इंस्टॉल हुई है ना ही हमारी DSP के अंदर भी इंस्टॉल हुई है, ठीक है। जो वायरिंग है वो हम लोगों ने कपलर से करें, ये व्हाइट कपलर डायरेक्टली एम्पलीफायर के अंदर प्लग्ड इन है। जो RC केबल के आउटपुट होते हैं ये जो है इनपुट इसके, वो हम लोगों ने ब्लैंक ही छोड़ रखे हैं, ठीक है। तो ये अपने हो गए, तो इसीलिए कोई नॉइस नहीं है कार के अंदर। बाकी वायरिंग पूरी अच्छे से टेपिंग कर रखी है, फिक्स जो हो रखा है ये पूरा आप लोगों को चेकआउट कराता हूँ। ये देखो इस तरीके से पूरा फिक्स हो रखा है सेटअप अंदर की साइड पे। इस तरीके की फिटमेंट हम लोगों ने इंस्टॉल करी है। ये अपना नाकामिची का DSP है, ये सोनी का हमारा 4 चैनल G4 एम्पलीफायर है, कंपोनेंट सोनी ES सीरीज के हाईरेस ऑडियो कंपोनेंट एंड कोएक्सल इंस्टॉल हो रखे हैं डोर के अंदर विद डुअल लेड डैम्पिंग। उसकी एक वीडियो बनी हुई है जिसमें हम लोगों ने 10.33 इंच की वीडियो जो मैंने डाली थी इससे पहले वाली, अगर आप वो वाली जाके देखोगे तो उसमें पूरे डोर्स ओपनिंग के साथ स्पीकर एंड एम्पलीफायर की फिटमेंट आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं। बाकी जो ये डायरेक्टली इस वाली वीडियो तक पहुंचे हैं तो उनको बता देता हूं, जो स्टीरियो से आउटपुट आ रहा है वो डायरेक्ट गया है हमारा इस कपलर के थ्रू इसके अंदर, इसी कपलर के थ्रू इसमें से आउटपुट गया है हमारे एम्पलीफायर के कपलर के अंदर, ठीक है, इस एम्पलीफायर के अंदर। और साथ ही साथ एक वायर गई है उस साइड पे जो कि मोनो ब्लॉक को इनपुट दे रही है। बाकी हमारी वायरिंग जो थिम्बल सारे थे, हमने स्पीकर वायर के थिम्बल्स जो है वो सारे यहाँ पे इंस्टॉल कर रखे हैं, यहाँ पे कर रखे हैं, ठीक है। उसके अलावा अपने जो पावर कोर्ड्स थी, पावर जो बैटरी से डायरेक्टली आती है अर्थिंग की, वो सारी थिम्बल के साथ यहाँ, बाकी रिमोट वायर यहाँ पे, बाकी पूरा का पूरा सेटअप यहाँ पे कुछ इस तरीके का नजर आता है। स्क्रीन हमने इंस्टॉल करी है हाइपरसोनिक की मर्सिडीज की, तो मर्सिडीज के अंदर जो स्क्रीन लगती है वही वाली स्क्रीन ये है, इसमें कैनवस लगता है मर्सिडीज वाले में, तो ये मर्सिडीज स्टाइल भी है बट मर्सिडीज की ही स्क्रीन है जो कि हमने इसमें इंस्टॉल करी है। इंस्टॉल के इंस्टॉलेशन के लिए जो अपना पीछे का फ्रेम था ये वाला पार्ट हम लोगों ने पूरा का पूरा ग्लॉसी करके रेडी करा, ग्लोसी करने के रेडी करने के बाद मशीन हम लोगों ने उसके अंदर इंस्टॉल कर दी और स्टीरियो अपना इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया। तो मशीन के बाद आप फिटमेंट के बाद देख सकते हैं कुछ ऐसा रहेगा, पूरे डैशबोर्ड का लुक कुछ ऐसा आएगा और ये स्क्रीन का लुक कुछ ऐसा रहेगा। बाकी वीडियो क्लैरिटी एक बार आप लोगों को चेकआउट करा देता हूँ इसमें किस तरीके की आएगी। तो ये वीडियोज आ गई है अपनी, इसके अंदर आप लोगों को कोई वीडियो प्लेबैक करके दिखाता हूँ, तो इस तरीके की वीडियो की क्लैरिटी इसमें मिल जाती है। इसमें एंड्रॉयड है तो सारे फीचर्स मिल जाएंगे, अपना प्ले स्टोर से लेकर सारी चीज़ें इसके अंदर ही आप लोगों को मिल जाएगी। ये जो है वीडियो क्लैरिटी इसकी रहती है,
बाकी इसमें प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, बाकी जो आप ब्लूटूथ से कुछ डाउनलोड करके देखना चाहते हैं तो सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल रहती है। फीचर्स की और बात करते हैं, इसमें कोई फिजिकल नेविगेशन बटन आप लोगों को नहीं मिलेगा जो कि आप टच कर सकें, ठीक है। स्टीयरिंग कंट्रोल से ही ये वर्किंग एंड फंक्शनल रहेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए अगर आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके से सारे वॉल्यूम के फंक्शंस काम करेंगे। साथ में अगर आपने कोई पेन ड्राइव या ब्लू जैसे इसमें से प्री इंस्टॉल्ड में से यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को बाकी के ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें आप लोग नेक्स्ट प्लेबैक स्टॉप वो सारी चीजें कर सकते हैं। इस साइड पे नेविगेशन रेडियो और अपना ऐप मेन्यू का ड्रॉअर मिल जाता है, उसके अंदर डीएसपी की सेटिंग मिल जाती है। तो ये डीएसपी की सेटिंग इसके अंदर भी है, प्लस हम लोगों ने नाकामिची का जो डीएसपी इंस्टॉल किया है उसकी भी सेटिंग अलग होती है, वो भी हम लोगों ने सेट करी है। उसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को सिम लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं अपना, ये देखो इसमें मिस कॉल शो हो रही हैं, ठीक है। प्लस इसके अंदर आप लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी जाके देख सकते हैं अपने, अगर आप इसमें जीमेल लॉगिन कर लेंगे तो वो वाला फंक्शंस भी आप लोगों के काम करेंगे। उसके अलावा जैसे इसमें फोन आ गया अपना, पिक्चर आ गया, पिक्चर इन पिक्चर चल सकता है, जेड लिंक के थ्रू एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो दोनों फंक्शनल रहेंगे। यूट्यूब इसमें प्री इंस्टॉल्ड आ जाता है, तो यूट्यूब अगर आप लोग यूज करते हैं नेक्स्ट अपना बढ़िया तरीके से तो वो चीज़ आप लोगों को इसमें मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके अंदर आप लोगों को प्ले स्टोर का सपोर्ट मिल जाएगा। प्ले स्टोर से जीमेल साइन इन करने के बाद आप सारे फीचर्स एड ऑन इसके अंदर कर सकते हैं, जैसे कि आपको नेटफ्लिक्स चाहिए, प्राइम वीडियो चाहिए या कुछ चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर ही मिल जाएगी। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर स्टीरियो सपोर्टेड है, सबसे बढ़िया बात। और साथ ही साथ आप लोगों को और चीज़ें ऐड ऑन दिखाता हूँ क्या कुछ हम लोगों ने इसमें इंस्टॉलेशन करी है। ऊपर की साइड हम लोगों ने टॉप वेरिएंट का जो सनरूफ वाला सनग्लास होल्डर आता है वो वाला लगाया है। प्री इंस्टॉल्ड व्हाइट लाइट एलईडीज लाइट आती है इसके अंदर, वही वाला हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल करा है। स्मूथली वर्किंग एंड फंक्शनल रहने वाला है जैसा टॉप वेरिएंट के अंदर आता है, सेम ओरिजिनल ह्यूंडई जेन्युइन पार्ट। नेक्स्ट चीज़ हम लोगों ने क्रूज कंट्रोल इंस्टॉल करी है, ह्यूंडई जेन्युइन पार्ट, वो भी ग्लॉस ब्लैक वाला। ये ग्लॉस ब्लैक वाला टॉप वेरिएंट के अंदर आता है तो यही वाला हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। और ये स्टीयरिंग कंट्रोल है, ये भी ग्लॉस ब्लैक जो टॉप वेरिएंट के अंदर आता है वही वाला हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। बाकी इसके अंदर जो स्टीयरिंग रैप करा है हम लोगों ने, स्टीयरिंग रैप की क्वालिटी भी चेकआउट कर सकते हैं एंड फिटमेंट कैसी रहती है। स्टीयरिंग रैप भी 00 फिटमेंट के अंदर आ जाता है जैसा कि टॉप वेरिएंट के अंदर ही रहता है। तो ये फिनिशिंग एंड क्वालिटी चेकआउट कर सकते हैं, इस तरीके से आप लोगों को पूरे स्टीयरिंग का लुक देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये है अपना ये वाला फ्रेम, अगर किसी को ग्लोसी कराना है तो इसका ऑप्शन रहता है, बट इसमें अभी हम लोगों ने नहीं कराया वो चीज। सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर ग्लोसी हम लोगों ने इसके अंदर इंस्टॉल किया है, ये वाला पार्ट पूरा ओपन करके इसको अपना हाइड्रो डिपेंड करके ग्लॉस ब्लैक करके रेडी किया, चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके से आप लोगों का रहने वाला ये रहेगा, ठीक है। ब्लोअर का ये पूरा खुल जाता है, ये अगेन फिट हो जाता है, उसके बाद ये अपने सिल्वर बटन हो गए, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोगों का इनसाइड वाला बटन हो गया, यहाँ से आप लोगों का दूसरा हो गया और यहाँ से आप लोगों का एडजस्टमेंट हो गया। इसी मैनुअल एसी ही रहेगा इसके अंदर। बाकी इसके बाद ये वाला पार्ट जो है इसके अंदर आता है अपना मैट, मैट कलर का, तो मैट वाले को ग्लॉस किया, ये वाले को ग्लॉस किया। इसमें ये रिंग सिल्वर आती है तो इसको सिल्वर ही छोड़ दिया, ये अपना सिल्वर आता है। गियर नॉब इसका वही रहेगा, लेदर बूट का जो फैब्रिक है वो भी हम लोगों ने एज इट इज रखा है। नीचे की साइड जो है हम लोगों ने फ्लोरिंग करी है, क्योंकि यार फ्लोरिंग बहुत ज्यादा जरूरी रहती है गाड़ी के अंदर। ये नीचे देख सकते हैं सिंगल पीस कारपेट फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग के बाद 90 मैट्स उधर इंस्टॉल हो रखे हैं। ये अपना डेड पेडल की फिटमेंट पूरी ए टू जेड एंड फिनिशिंग 00 में मैट अपने जो है फिट हो जाते हैं। इधर भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं मैट की फिटमेंट किस तरीके की रहने वाली है, तो ये पूरे मैट की फिटमेंट आ जाती है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे स्कफ प्लेट है ओरिजिनल वाली जो क्रेटा की आती है वो हो गई। बाकी फोर डोर हैंडल के ऊपर यहाँ वाले पार्ट पे हम लोगों ने पूरा हाइड्रो डिपेंड ग्लॉस, और ग्लॉस में अगेन वो स्पार्कलिंग जो आप देख पा रहे हैं, स्पार्कलिंग नेचर है इसका, ठीक है। तो जैसे लाइट पड़ेगी इसके ऊपर ये अपना जो स्पार्कल करके चमकता है, तो वो चीज़ काफ़ी बढ़िया रहती है। ये हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल कर दिया है। एम्बियंस लाइट हम लोगों ने इसमें फोर साइड के फोर एम्बियंस लाइट इंस्टॉल करी है, 6 पीस अपना 10 पीस, जिसमें अपना पैरों में भी लाइट आ जाती है, ठीक है। पैरों की लाइट 4 आ जाएगी और 6 आप लोगों की 2 डैशबोर्ड और 4 डोर्स की आ जाएगी। डोर की भी लुक चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके की रहने वाली है, वो भी कंप्लीट रहती है। सीट्स की बात करके आप लोगों को दिखाता हूँ भाई, सीट जो है बिल्कुल जो टॉप वेरिएंट के अंदर आता है सीट, वही सेम हम लोगों ने डिजाइन रेडी करा है। काफी लोग इसको जो है कलर चेंज कर रहे हैं, इसका कोई भाई टैन कर दे रहा है, कोई इसका दूसरा कलर कर दे रहा है, रेड कर दे रहा है, ऑरेंज कर दे रहा है। ये डिफरेंट कलर है जो टॉप वेरिएंट में कलर है, सेम वही कलर हम लोगों ने इसके अंदर इंस्टॉल किया है। और फिटमेंट जो है सेम डिजाइन बनाई है, फिटमेंट भी 00 कारपेट टू कारपेट रहने वाली है। डिजाइन आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सीट के डिजाइन में जो डिजाइन वेंटिलेशन के लिए आता है सेंटर के अंदर, वही सेम टू सेम रहने वाला है। फिटमेंट भी 00 रहती है इसकी। सिटिंग पोर्शन के अंदर भी जो फोमिंग है, हमने 20 mm की फोमिंग के साथ इसको इंस्टॉल किया है, ये भी पूरा वेंटिलेटेड फैब्रिक आप लोगों को मिलेगा। और जो डिजाइनिंग है वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, इस तरीके से पूरा जो है नीचे की सिटिंग की डिजाइन एंड ऊपर जो है ऊपर का पूरा डिजाइन किस तरीके का रहने वाला है। पीछे भी जो है अपना फिटमेंट सारा 00 में ही रहेगा,
तो ये फिटमेंट आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। जैसे टॉप वेरिएंट के अंदर SX ऑप्शनल के अंदर है, सेम उसी तरीके का डिजाइन, सेम उसी तरीके की फिटमेंट इसके अंदर इंस्टॉल करी है। पीछे की साइड मेजरली तो हम लोगों ने ये रीडिंग लाइट इंस्टॉल करी है, दो रीडिंग लाइट यहाँ पे लगाई गई है क्योंकि इस वाले वेरिएंट के अंदर नहीं आती और ये सिर्फ जो है बेस वेरिएंट अपना टॉप वेरिएंट के अंदर ही आता है। तो ये रीडिंग लाइट ओरिजिनल ह्यूंडई की जेन्युइन आप लोग चेकआउट कर सकते हैं इस तरीके की है। इसकी ब्राइटनेस नॉर्मल जो आती है, ये वाली येलो थी इसके अंदर, इसको हमने व्हाइट कर दिया है। इसको ऑफ करके आप लोगों को दिखाता हूँ, टॉप वेरिएंट में कुछ इस तरीके का लुक जो है ये प्रोवाइड करती है पीछे कैबिन के अंदर लाइट्स का। तो ये इसलिए रीडिंग लाइट्स हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल करी है ओरिजिनल ह्यूंडई वाली। तो ये चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके की रहती है। और ये है इसकी भाई फिनिशिंग, बाकी ये पुश के साथ ही चलेगी आप लोगों की, डोर पे नहीं वर्किंग रहती। तो डोर के लिए हम लोगों ने अगेन ये वाली हटाई नहीं है, ये लगी रहेगी, ये अपना डोर का फंक्शनल करेगी। ये भी सेम हमारी इनबिल्टी वाइट आती है, इसकी भी प्रोजेक्शन आप देखेंगे तो इस डायरेक्शन में है, ना कि इसकी भी देखेंगे तो प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है कि सीधा आंखों में लाइट मारती है। तो ये काफी बढ़िया, ये भी टॉप वेरिएंट की इंस्टॉल कर दी है। मेजर मेनली जो अपना कंसोल रहने वाला है, कंसोल पर भी डुअल स्टिचिंग के साथ पूरा का पूरा फिनिशिंग चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके का रहेगा। ये पूरा इंस्टॉलेशन इसके अंदर किया गया है। अब आप लोगों को सीधा सुनाता हूँ इसका साउंड आउटपुट, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि कैसा सिस्टम हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल करा है हाई रेस ऑडियो का। इसको अभी चेंज करेंगे, इसके अंदर SX ऑप्शनल का अभी स्क्रीन भी लगानी बची है, तो उसके बाद जो है पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। अभी फिलहाल सोनी ES सीरीज के कंपोनेंट, नाकामिची का DSP, G4 एम्पलीफायर 4 चैनल एंड SNB का मोनोब्लॉक, रॉकफोर्ड P2 का बूफर आप लोग सुनने वाले हैं, जो कि हाइपरसोनिक के 464 GB के ऊपर रन करने वाला है। संजीत भाई आए थे अपनी गाड़ी लेकर काम कराने के लिए, कैसा लग रहा है भाई आपको? जबरदस्त। क्या रेटिंग देना चाहोगे भाई काम को? मेरे पसंद से 10 में से 10। बढ़िया लगा काम? साउंड आउटपुट मेरे को मजा लगा, मेन है ना, मेन, बाकी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साउंड आउटपुट जबरदस्त। और एक सीट कवर, अगर आपके पास क्रेटा सीट कवर ये क्वालिटी लगवाना, और साउंड सोनी ES अगर अच्छी क्वालिटी मॉडिफाई करवाना तो। साउंड सिस्टम कितने का पड़ गया भाई पैसों में? साउंड सिस्टम इसके अंदर टोटल जो पड़ा है 1,30,000 रुपए खर्चा है। ठीक है, इतना में तो कौन नहीं लगवाता भाई बेस मॉडल में। हर कस्टमर का चॉइस अलग लगा तो वो भी करवा सकते हैं। ठीक है, बाकी म्यूजिक सिस्टम की क्या स्टार्टिंग रेंज रहेगी? स्टार्टिंग अपने पास 10,500 से लेके इस क्वालिटी में 10 इंच 10.33 इंच में 10,000 से लेके 25,000 से 28,000 के बीच में अवेलेबल है। ठीक है, बाकी स्टेयरिंग क्रूज इसमें मैट वाले भी चल जाएंगे? ये भी चल जाता है, ग्लोसी भी चलता है, जैसे कस्टमर का डिमांड होता है वैसे हम करके देते हैं। लेकिन ग्लोसी में जैसे मैट में इतनी जल्दी गंदा नहीं होता था, ये बहुत जल्दी गंदा हो रहा है। हाँ, मेंटेन करना पड़ेगा, पियानो ब्लैक का जैसे ये मेंटेन होता है, लेकिन लुक एक टॉप मॉडल वाला ही क्वालिटी आ जाती है। बहुत जल्दी मिट्टी बैठ रही है भाई इसके अंदर, देख सकते हो। ग्लोसी का नुकसान भी है, फायदे भी है, लेकिन इसके अंदर साफ सुथरा रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, बाकी कलर भी सीट कवर का लाइट रहेगा, तो ये भी सफाई मेंटेनेंस रखनी पड़ेगी, तभी मजा आएगा। बाकी रीडिंग लाइट की क्या नीड लगी भाई पीछे? रीडिंग लाइट की नीड, कभी पार्टी उटी करना हो तो अंदर ही लाइट जला के आराम से खा पी सकते हैं, हम एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, और आगे है ही लाइट इसके अंदर, सनग्लास होल्डर लगा दिया इसके अंदर, सनरूफ नहीं है, वो भी लगा देंगे। बिल्कुल, वो भी नहीं लगा देंगे, लेकिन दिक्कत जरूरी नहीं है। अलॉय व्हील नए वाले क्रेटा का इनलाइन का ही क्यों लगाना ही था? 18 इंची ऑनलाइन जो लुक उसका आता, मजा चलाने में स्मूथ कार, जबरदस्त मजा आता है ऑनलाइन में ही, मजा आया। स्पोर्ट्स अलॉय व्हील कहते हैं इसको, जबरदस्त रहते हैं। और इसमें 18 इंची में टूसोन मिल जाएगा, फिर सेल्टोस का एक्स लाइन मिल जाएगा, मैट वाला मिल जाएगा, ग्लोसी वाला मिल जाएगा। सबसे बढ़िया 18 इंच कौन सा लगा? यही वाला सबसे 18 इंच तो मेरे को ये बेस्ट, इसी का ही लुक आया ब्लैक क्रेटा पे। तो बाकी व्हाइट क्रेटा हो तो हो सकता है उसमें थोड़ा, अगर ये गाड़ी चली अगर बंदे ना ताके तो क्रेटा का मजा नहीं लगाना, मजा ही नहीं है, मजा ही नहीं आएगा। बाकी इसमें 17 इंच वाला टॉप वेरिएंट भी लग सकता था, और उसके अलावा 17 इंच के जितनी रेंज आती है वो सारी लग सकती है। बिल्कुल ठीक है। टायर JK का ही क्यों? और ब्रिजस्टोन आते हैं, गुडियर आते हैं, चलना है तो 40 से 50,000 ही चलना है, तो टायर ये डलवाना अच्छे प्राइस में आपको एक्सचेंज हो जाता है इसके अंदर JK में। और प्लस JK टॉप वेरिएंट में भी आता ही है, तो कंपनी भी रिलायबल मानती है उसको, तो वही लगाया हम लोगों ने भी।
ठीक है, बाकी इसमें सिस्टम विस्टम 12 इंच पहले 10 पॉइंट जो 3-3 लगा था वो हटा के ये क्यों? ये थोड़ा लुक अच्छा है, BMW मर्सिडीज में आता है तो ये चीज ये अच्छा लगता है, सिस्टम कोई बड़ा गाड़ी का। लेकिन अब ये सिस्टम अंदर जो इसका ओरिजिनल फ्रेम आ जाएगा 10.33 का, उसके अंदर नहीं जाएगा फिर? हाँ, लेकिन उसके अंदर आ जाएगा, 13 इंच भी आ जाएगा, या ओरिजिनल हम सिस्टम पूरा टॉप मॉडल वाला जो एक्स जो एसएक्स ऑप्शनल में आता है लगाए देंगे। तो इसमें सिस्टम ही चेंज करना है? बिल्कुल ठीक है। बाकी स्टीयरिंग टॉप वेरिएंट का हो चुका है अपना, ये हो चुका है, ऑटोमेटिक एसी का क्या ख्याल है? नहीं वो जरूरत नहीं है, मैं तो मन नहीं करता। ठीक है, पुश बटन? नहीं पुश बटन नहीं लग सकता। कीलेस एंट्री? नहीं वो भी नहीं चल सकता। ठीक है, कीलेस चल जाएगा लेकिन कभी कभार उल्टा काम करेगा। लेकिन वो भी है ना, फिर कल को कोई और अनलॉक करके ले जा चुरा के। बिल्कुल बिल्कुल, फिर उसमें भी बसूड़ी। लाइट का आउटपुट बताओ कैसा इसका? तो सामने वाला हटे ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, साइड बिल्कुल देगा जब हट जाओ, पहले कोई बड़ी गाड़ी आ रही है। ठीक है भाई, बाकी लाइट आउटपुट का आप देख चुके हो कैसा इसका रिस्पॉन्स है। लाइट यहाँ तो इतनी जल रही है तब भी ये दिख रही है, बाकी जब मैंने आपको जो लाइट आउटपुट दिखाया वो नेक्स्ट लेवल ही रहने वाला है। कैमरे की क्वालिटी भी देखो, नेक्स्ट लेवल। 360 नहीं लगाया? बैक की जरूरत है, 360 तो हम खुद ही है, खुद ही है 360। हाँ, अगर किसी भाई को अगर जैसे खरी गाड़ी में देखना है तो वो करवा सकते हैं बिल्कुल। बाकी जो जिनको ऑलरेडी ड्राइविंग आती है उनके लिए इतना मैंडेटरी भी नहीं है, वो लोग सेट हो जाते हैं ना चलाने में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बाकी डुअल लेयर डैम्पिंग है, फ्लोरिंग है, सारा ए से जेड तक सारा काम बेस टू टॉप 2 लाख रुपए के अंदर हुआ सारा, पूरा ए टू जेड। बिल्कुल, तो ऐसी गाड़ी बनानी हो तो आप लोग 2 लाख रुपए में इस तरीके की गाड़ी बनवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेजर तो इसमें जो खर्चा हुआ है वो म्यूजिक सिस्टम पे हुआ, अलॉय व्हील पे हुआ है, अलॉयबल म्यूजिक सिस्टम, बाकी तो सीट कवर फ्लोरिंग छोटा मोटा काम है। ठीक है, बाकी यही था भाई आज की वीडियो के लिए, और सस्ते में यही काम कराना चाहते हो तो वो चीज लाख में भी हो जाएगा, 50,000 में भी हो जाएगा, 80,000 में भी, जैसी आपकी बजट क्वालिटी होगी उस हिसाब से क्वालिटी वाला काम करके देंगे। ठीक है भाई, होपफुली वीडियो देख के मजा आया, मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब शेयर। ये मत सोचना कि गाड़ी की लास्ट फुल वीडियो आ गई है तो कंप्लीट हो चुकी है गाड़ी, अभी इसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन, स्क्रीनिंग और रियर वाइपर आएगा नेक्स्ट वीडियो, जो अपना DRL आएगा, टिकी लाइट आएगी, काफी चीज चेंज होगा इसके। तो आप बने रहे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तभी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में।